का निधन हो रहा है, इस तरीके की मृत्यु हो रही है, ये जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने का समय। मुझे दुख होता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छूटते ही इसके ऊपर बोल देते हैं कि भैया जो पीने वाला है वो दोषी है। आप एक्शन के रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं। भैया मुख्यमंत्री हैं आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपने आप को आप इंजीनियर कहते हैं, आप बोलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आप समझिए कि जब एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से आएगा। तो आपको एक्शन की जड़ पर जाने की जरूरत है, रिएक्शन के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, आप रिएक्शन पे कार्रवाई कर रहे हैं। भैया अगर वो शराब मिलती ही नहीं तो वो दोषी पीता कैसे, या वो व्यक्ति पीता ही कैसे। आप जिसको दोषी बोल रहे हैं कि भैया दोष पीने वाले का है, वो पी इसीलिए रहा है क्योंकि शराब मिल रही है, जबकि आपका कानून कहता है कि शराब नहीं मिलनी चाहिए। तो शराब मिल कैसे रही है आप इसका जवाब दीजिए ना, उसका जवाब देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें उनके अधिकारी साथ में इसके सम्मिलित हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने दो चार अधिकारियों के माध्यम से ही सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं। जनता से संवाद करना या जनता से जुड़ना तो उनकी कार्यशैली में कभी रहा नहीं, आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखा, या अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरी जानकारी को आप लोग दुरुस्त कीजिएगा। आखिरी बार किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब मिले थे? और मैं किसी भी पीड़ित परिवार की मैं बात कर रहा हूं, भले किसी अपराधी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी हो, अपहरण की वजह से उसकी हत्या हो गई हो, लूटमार में उसकी जान चली गई हो, या कोई वैसे ही प्रताड़ित हुआ हो, कहीं पुलिस प्रशासन में किसी के ऊपर कोई दुष्कर्म किया गया हो उस वजह से हो, या किसी महिला के ऊपर कोई दुष्कर्म किया हो। अभी जहानाबाद में एक घटना घटी, महिला के साथ गैंगरेप किया गया। रोसड़ा में एक घटना घटी, पुलिस की कैद में एक दलित युवक के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया। तो कोई एक जगह दिखा दीजिए ना जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हो। यहां पर इतनी बड़ी घटना घट जाती है, 50 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मारे जाते हैं, बताइए मुझे कहां पर गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जब तक आप घटना स्थल पर आप जाएंगे नहीं, जब तक आप उस पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे नहीं, भैया आपको जानकारी कैसे मिलेगी कि क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है। आप सोचिए कि आप अपने हवा महल में बैठकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आपके हवा महल में सारी सही खबरें आपको नहीं मिलेंगी, सारी खबरें छन कर जो आप सुनना चाहते हैं वही अधिकारी आपको वहां पर सुनाते हैं। अधिकारी आपको बोलते हैं कि गरीब लोग जो बिहारी हैं ये दोषी हैं, और आप तुरंत अपनी प्रदेश की जनता के ऊपर आप आरोप लगा देते हैं कि भैया दोषी हैं, दोषी वो लोग हैं जो तस्करी कर रहे हैं, दोषी वो लोग हैं जो अवैध शराब को बॉर्डर के माध्यम से लेकर आ रहे हैं प्रदेश में, दोषी वो लोग हैं जो जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में कर रहे हैं, और आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, आपके शासन प्रशासन तंत्र के सामने ये सब हो रहा है। भाई अगर एक आम बिहारी इस बात को जानता है, भाई आप कैमरा लगा दीजिए कहीं पे भी जाइए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।